नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों धनु राशि वालों, अब आपके किस्मत के दरवाजे खुलने वाले हैं। जी दोस्तों 13 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर 2022 तक का जो समय है आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही भाग्यशाली समय सिद्ध होने वाला है, क्योंकि इन 5 दिनों में कई बड़े बड़े ग्रह अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले 16 अक्टूबर को मंगल ग्रह वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जिसका प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। और 17 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में संचार करेंगे और 18 अक्टूबर को शुक्र ग्रह सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो दोस्तों इन 3 बड़े बड़े ग्रहों का जो राशि परिवर्तन होगा उसका प्रभाव आपके व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, परिवार के लिए, प्रेमी जोड़ों के लिए, विद्यार्थियों के लिए एवं बेरोजगार युवाओं के लिए व अन्य सभी स्तरों पर क्या क्या असर देखने को मिलेंगे। दोस्तों कौन कौन से क्षेत्र में क्या क्या लाभ होने वाले हैं, तो क्या क्या बड़ी खुशखबरी आपको यह समय अंतराल में प्राप्त होने वाले हैं। दोस्तों साथ ही इन 5 दिनों में आपको किन गलतियों को करने से बचना होगा और क्या बड़ी सावधानियां भी आपको यह समय रखनी पड़ेगी। दोस्तों इन सारे की सारी जानकारी आप लोगों को हम पूरी की पूरी विस्तार पूर्वक से बताएंगे, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के अंत में आप लोगों को जो हम उपाय बताएंगे, दोस्तों अगर आप लोग इस उपाय को कर लेंगे, दोस्तों मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको पैसों की बड़ी बड़ी गड्डी या समय हाथ लगेगी। जी दोस्तों, और आपकी वे सारी ख्वाहिशें पूर्ण होंगी जो आप कभी सपने में देखा करते थे। जी दोस्तों, और इस उपाय को करने से आपके जीवन की सारी परेशानियां भी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। जी दोस्तों, परंतु इस उपाय के बारे में आप लोग भूल से भी किसी को मत बताइएगा, वरना आप जिंदगी भर पछताएंगे। जी दोस्तों, तो आज दोस्तों बात करते हैं वीडियो की शुरुआत करते, उससे पहले भगवान भोलेनाथ के सभी सच्चे भक्त इस वीडियो को अभी कभी एक लाइक अपने प्यारे हाथों से जरूर करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर। लेकिन दोस्तों भगवान भोलेनाथ की आशीर्वाद से आपके जीवन की सारी परेशानी हमेशा हमेशा के लिए दूर होंगे और आपके घर में सदैव सुख शांति बनी रहेगी। दोस्तों आइए बात करते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आने वाले इन 5 दिनों का समय आप लोगों के लिए बहुत ही खास और बहुत ही इम्पोर्टेंट समय रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों इन 5 दिनों में 3 बड़े ग्रहों का जो राशि परिवर्तन है इसका प्रभाव आपके ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े असर देखने को मिलेंगे। दोस्तों कुछ असर आपके लिए शुभ होंगे तो कुछ असर आपके लिए अशुभ भी हो सकते हैं। दोस्तों इन ग्रहों के परिवर्तन से आपके जीवन काल में जो अचानक से परिवर्तन होंगे और आप लोगों को जो खुशखबरी या समय प्राप्त होने वाले हैं, दोस्तों उसे देखकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों अब आपकी ज़िंदगी में कुछ अचानक से बदलाव भी देखने को मिलेंगे। जी दोस्तों, और यश में आपके व्यवसाय के क्षेत्रों में कुछ बड़ी सफलताएं भी आपको हाथ लगने वाली हैं। दोस्तों जो कार्य आपके कई दिनों से अटके पड़े हुए थे, दोस्तों वह कार्य में अब गति भी आएंगी और आपके सारे रुके हुए कार्य भी अब बन जाएंगे। जी दोस्तों, और दोस्तों यह समय आप लोगों को कुछ इस तरह की सावधानी भी रखनी पड़ेगी, कुछ इस तरह की बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि आने वाले समय में आपको किसी प्रकार की कोई अड़चनों का सामना न करना पड़े, और ख़ास तौर पर यह समय आप लोगों को अपनी वाणी में मधुरता लानी होगी। दोस्तों अगर आपकी वाणी में मधुरता आएंगी तो आपके सारे कार्य आसानी से पूर्णता हो जाएंगे। दोस्तों कहते हैं ना कि मीठे बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती हैं और कड़वे बोलने वालों की शहद भी नहीं बिकती, इसलिए आपको इसमें अपनी वाणी पर थोड़ा मिठास और लाना होगा, तभी आपके सारे कार्य पूर्णतः बन जाएंगे और उसमें कोई अड़चने भी नहीं आएंगी। और इसमें अपनों से बड़े या फिर किसी भी अनुभवी से सलाह लेकर ही आप आगे बढ़ने की कोशिश करें तो आपके लिए बेहतर रहेंगे। और यश में मेहनत, धैर्य और समझदारी से काम निपटा लेंगे और आप व्यस्त भी यश में हो सकते हैं। आपके पास बहुत सी जिम्मेदारियां हो सकती हैं और धैर्य से काम लें और प्रेमी, संतान, परिवार के सदस्य और दोस्तों के साथ समय व्यतीत भी सकता है। आपके लिए दिन संतोषजनक हो सकते हैं और रोजगार में स्थितियां इसमें पहले से ठीक होने की संभावनाएं भी हैं। नए ऑफर ऐसे मिल सकती हैं और अपने कॉन्टैक्ट्स
पर ध्यान दें और संतान पर भी अश्विन आप नजर रखें और परिवार में मांगलिक कामों की योजना भी अश्विन बन सकती है। और यश में आपको कुछ मामलों में संभल कर रहने की काफ़ी आवश्यकता होंगे, जैसे कि आपके कुछ काम अधूरे रह सकते हैं, कोई व्यक्ति आपके कामकाज में रुकावटें पैदा कर सकते हैं और केसेस यश में अनबन भी होने के योग बन रहे हैं। यश में आप लोग थोड़ा सावधान रहें और चाहे जैसी भी स्थितियां बने आप कर्ज बिल्कुल ही ना लें तो आपके लिए बेहतर रहेंगे, अन्यथा आपको बाद में कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। और दोस्तों बिजनेसमैन के लिए और नौकरी करने वाले जातकों के लिए समय मिला जुला वाला समय रहेगा, क्योंकि दोस्तों यह समय उन्हें कुछ बड़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है तो कुछ बड़ी खुशखबरी भी उन्हें प्राप्त हो सकती है। दोस्तों यह समय उनके कुछ कार्यों में गति भी आएंगे तो कुछ कार्यों में उनकी रुकावटें भी यश में आ सकती हैं, तो कहें तो उनका समय यश में मिला जुला वाला ही साबित होंगे। और यश में स्टूडेंट के लिए समय अच्छा ही हो सकता है, क्योंकि उन्हें यश में कुछ बड़ी सफलताएँ या फिर कुछ बड़ी खुशखबरी प्राप्त हो सकती है, जिनसे उनका मन यश में काफ़ी प्रसन्न और काफ़ी खुश भी नजर आएंगे। और यश में आप दोस्तों के साथ एक नया उद्यम शुरू कर सकते हैं और आपको उनका पूरा समर्थन भी यश में मिलेंगे। वित्तीय मामले में आसानी से आप आगे बढ़ेंगे और शेयरों में कुछ निवेश भी यश में किया जा सकता है और स्वभाव में चिड़चिड़ापन भी आपका यश में आ सकती है, लेकिन कोशिश करें कि इसका असर दूसरों पर बिल्कुल ही ना पड़ने दें। और आय के नए यश में स्रोत भी प्राप्त हो सकते हैं और यश में आप लेन देन में जल्दबाजी ना करें तो आपके लिए बेहतर रहेंगे, अन्यथा आपको नुकसान भी उठानी पड़ सकती है। और यश में आप मंदिरों में लड्डू का दान करें, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेंगी। और यश में भगवान भोले बाबा के आशीर्वाद से आपके सारे सोचे हुए काम पूरे होंगे और आपके जो काम नहीं बनते थे दोस्तों वह काम भी अब आपके पूर्ण बनेंगे। और ऑफिस में किसी भी सहकर्मी से आपको मदद भी यश में मिल सकती है। सेहत के मामले में अगर देखा जाए तो खुद को आप ऊर्जावान महसूस करेंगे और जीवन साथी के साथ घूमने का प्लान आप यश में बनाएंगे, इससे आपका रिश्ता मजबूत बनेगा। और इस राशि के स्पोर्ट्स से जुड़े लोग किसी नई एक्टिविटी में भाग ले सकते हैं और किसी काम में माता पिता की सलाह यश में आपके लिए फायदेमंद भी साबित होंगी। और यश में आप अपने करियर के बारे में सोच समझकर विचार करेंगे और आपके धन संपत्ति में यश में बढ़ोतरी भी होने की काफ़ी संभावनाएं भी बन रही हैं। और दोस्तों यश में घर परिवार के अगर माहौल में देखा जाए तो समय आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि महिलाएं यश में अस्त व्यस्त गृहस्थी को संभालने में अधिक व्यस्त भी रहेंगे और नज़दीकी रिश्तेदार से यश में आपको शुभ समाचार की प्राप्ति भी हो सकती है। दोस्तों यश में पारिवारिक जीवन सुखमय बनाए और संतान पक्ष की तरफ से यश में संतोष रहेगा और प्रेम संबंध के लिए समय आप सभी के लिए अच्छा भी यश में रह सकती है। और यश में घर परिवार में कुछ बड़े परिवर्तन भी हो सकते हैं तो कुछ बड़ी खुशखबरियां भी प्राप्त हो सकती है, जिनसे पूरे घर का माहौल यश में खुशनुमा बना रहेगा। जी दोस्तों चलिए अब बात करते हैं उपाय के बारे में। दोस्तों आखिर यश में आप लोगों को कौन से उपाय करने चाहिए जो कि आपको बड़े बड़े गड्ढे के हाथ लग सकती हैं और आपके जीवन के सारे समस्याएँ भी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएँ। दोस्तों आप लोग इन 5 दिनों के अंदर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने 11 दिनों तक अखंड ज्योति तेल का दीपक जलाएं और प्रज्वलित भी करें और 11वें दिन 11 कन्याओं को भोजन कराकर 1 सिक्का व मेहंदी दे दें। दोस्तों इस उपाय को करने से आपके जीवन में धन की आगमन होंगी और माता लक्ष्मी जी की आशीर्वाद से आपके सारे ख्वाहिशें सारे सपने भी सच होंगे और स्वयं माता लक्ष्मी जी अब आपके ज़िंदगी में करेंगे चमत्कार और आपकी सारे परेशानियां भी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप सभी के ऊपर बनेगी। दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिए, आपके सारे बिगड़े कार्य भी पूर्णतः बन जाएंगे। दोस्तों आप लोग इस उपाय को अवश्य ही कीजिएगा, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण अवश्य ही होंगी।